ओके, मैनुअल का मिसलेनियस एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15। कहता फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एंड ऐसा टर्म फाइंड आउट करनी है जिसमें एक्स ना हो, ये कह रहा। कहते इसे जब एक्सपेंड करेंगे तो बहुत सारे टर्म आएगा, टोटल कितना टर्म आएगा, 19। जितना इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा होता है, 19 टर्म्स है। कहते 19 टर्म्स से मैं कौन सा टर्म ऐसा है जिसमें एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब हो गया फ्री फ्रॉम एक्स, ऐसा टर्म जिसमें एक्स ना हो, ये कह रहा है, तो वो फाइंड आउट करनी है। वो कहते हैं यहाँ देखो, ए कितना है, बी कितना, एन कितना है। देखो ए यहाँ कितना है, ये ए है आपको क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब क्या है, एक्स पावर 1/3 ये, और बी कितना है, 1/2 क्यूब रूट ऑफ एक्स, यानी क्या हो गया, 1/2 x^(1/3, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। ए और बी की वैल्यू दिया हुआ, और एन की वैल्यू कितना है, 18 है, ये दिया हुआ, यानी तब ए प्लस बी होल पावर एन। ए आपका कितना है, x^(1/3), बी कितना है, बी आपको 1/2 x^(1/3), और एन कितना, 18 है इंडेक्स। तो जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, जनरल टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो सिंस जनरल टर्म होता है r+1 टर्म, टी आर प्लस वन इक्वल टू होता है क्या होता है, NCr(e^(n-r)×(v^r), ये होता है एन, एन है 18, सी आर इंटू ए कितना है, ए है आपका कितना है, x^(1/3) होल पावर क्या है, एन माइनस आर, एन कितना, 18 है, 18 - r इंटू बी कितना है, बी आपका ये है, तो 1/2 x^(1/3) होल पावर क्या है, r r। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ओके याद रखें, 18 Cr × अब पावर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये भी पावर है, ये भी पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना x^पावर हो जाएगा, 1/3 × 18 - r, ठीक है, इंटू 1 पे पावर, ये पावर आ रहा है तो 1 पे पावर आएगा, 2 पे सब पे पावर आएगा, तो 1 पे पावर कुछ भी नहीं तो 1 ही आएगा, डिवाइड बाय 2 पे पावर क्या होगा, r इंटू इस पर पावर आएगा, x पर पावर 1/3 होल पावर r। ओके, तो कितना आ गया, 18 Cr × x^पावर कितना आ गया, 18 - r/3 × 1/2 r×, यहाँ कितना पावर पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा, x^पावर कितना आएगा, 1/3 × r, कितना आएगा, r/3 आएगा, r/3। ओके ठीक है, ओके अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब देखो बच्चे एक चीज़ देखो, यहाँ पे यहाँ बेस एक्स है, यहाँ बेस एक्स है ना, और एक ऊपर है एक नीचे है, तो बेस सेम हो, डिवाइड डिवाइड में हो तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है पावर। ओके तो यहाँ होगा तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 18 Cr × x^पावर क्या आएगा, 18 - r/3 - r/3। ओके फिर डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय कितना है, 2 पावर r, 2 रेस्ट पावर r, यही है ना, 2 रेस्ट पावर। ठीक, अभी तो एलसीएम में 3 एलसीएम आएगा तो कितना आ गया, ये आ गया 1/2 2^r
टू रेज पावर आर इंटू 18 सी आर इंटू एक्स पावर कितना आ गया, 3 एलसीएम आएगा, 18 माइनस आर ये आ गया 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर आर इंटू 18 सी आर इंटू एक्स पावर कितना आ गया, माइनस आर माइनस 2 आर, 18 माइनस 2 आर डिवाइड बाय 3 ये आ गया, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है। अब क्या कर रहे हैं कि मुझे एक्स नहीं चाहिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसा टर्म फाइंड आउट करो, ये क्या आ गया आपका जेंडर टर्म आ गया टी आर प्लस वन। अब मुझे ऐसा टर्म फाइंड आउट करना है जिसमें एक्स ना हो, अब एक्स तभी नहीं होगा जब एक्स पावर जीरो हो जाए, एक्स पावर जीरो क्या तो वन, अगर इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, देखो एक्स पावर जो पावर है अगर जीरो हो जाए तो एक्स पावर जीरो क्या वन, तो एक्स गायब हो जाएगा ना, एक्स टर्म ऐसा होगा जिसमें एक्स ना हो, यानी कि एक्स से फ्री हो जाएगा, एक्स तो गायब हो जाएगा, यानी एक्स को आप एलिमिनेट करना है, तो एक्स पर पावर जीरो करना पड़ेगा, जिसका मतलब हम जानना चाहेंगे अगर इसको जीरो करते हैं देखते हैं आर की वैल्यू कितना आ रहा है, तो आर के उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स क्या होगा, एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक्स ये पावर जैसे जीरो होगा तो एक्स पावर जीरो वन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इंडिपेंडेंट करते हैं ऐसा टर्म निकाले जो एक्स से इंडिपेंडेंट होगा, तो जो एक्स पे जो पावर होगा उसको क्या करेंगे जीरो इक्वल कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे जीरो इक्वेट कर देंगे, देन देखते हैं आर की वैल्यू कितना आ रहा है, आर के उस वैल्यू को पुट कर देंगे वो टर्म फाइंड आउट हो जाएगा जिसमें एक्स नहीं है। ओके तो क्या करें, द टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो क्या लिखेंगे द टर्म, यानी टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इफ द इंडेक्स ऑफ एक्स, इंडेक्स मतलब पावर, इफ द इंडेक्स यानी दैट इज पावर of x, index of x is zero, ठीक है, x का जो index है जो power है zero करना पड़ेगा तभी x से independent हो पाएगा, तो that is क्या करेंगे, यानी कि 18 माइनस 2 आर डिवाइड बाई 3 इक्वल टू जीरो, एक्स पावर यही है ना, इसको जीरो करो, जीरो करो देखते हैं एक्स आर की वैल्यू कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 किधर ले जाओ, जीरो इंटू 3 क्या आएगा जीरो, 18 माइनस 2 आर इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू 3 जीरो ही आएगा, 18 माइनस 2 आर इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाई दैट 18 इक्वल टू 2 आर, आर वैल्यू निकालो तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आर, 2 से डिवाइड कर दो 2 9 जा, तो देयर फॉर आर वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। ओके अब आर की वैल्यू 9 आ गया, इसका मतलब अगर आर की वैल्यू 9 पुट करेंगे, आर की जगह यहाँ 9 पुट करेंगे, देखो 9 प्लस 1 कितना होगा 10, जहाँ जहाँ आर है वहाँ 9 पुट करेंगे, देखो यहाँ भी 9 पुट करेंगे, तो 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 18 जीरो हो जाएगा, एक्स पावर जीरो वन होता है, एक्स गायब हो जाएगा, ठीक है, तो इन आर के वैल्यू अगर पुट करेंगे 9, देन ऐसा टर्म बनेगा जिसमें एक्स नहीं होगा, ठीक है, तो क्योंकि एक्स पावर जीरो हो जाएगा। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, जो आप जो टर्म है इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे फर्स्ट मान लो, अब इसे फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट कितना है टी एन फर्स्ट टी आर प्लस वन इक्वल टू कितना है टी आर प्लस वन इक्वल टू है वन बाय टू पावर आर इंटू 18 सी आर इंटू
एक्स पावर कितना है, एक्स पावर 18 माइनस 2r, 18 माइनस 2r डिवाइड बाई 3। तो हम क्या करेंगे, r जहाँ r वहाँ 9 पुट करो, पुट r की वैल्यू 9 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड r की वैल्यू 9 पुट कर दो, तो क्या होगा देखो, t जहाँ जहाँ आपको r वहाँ 9 पुट करो ऑन बोथ साइड, 9 प्लस 1 9 पुट कर दिया इक्वल टू 2 रेज पावर 9 इंटू 18 सी आर, आर है 9 इंटू एक्स पर पावर 18 माइनस 2 इंटू 9 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया, दिस इंप्लाई दैट टी 10 इक्वल टू आ गया 1 बाय 2 रेज पावर 9 इंटू 18 सी 9 इंटू एक्स पावर, अब देखो 2 इंटू 2 2 इंटू 9 18 हो जाएगा, 18 माइनस 18 जीरो हो गया, जीरो डिवाइड बाई 3 जीरो ही जाएगा, एक्स पावर जीरो क्या हो गया 1, एक्स पावर जीरो क्या है तो 1 होता है, तो देयरफॉर क्या आ गया टी 10 इक्वल टू आ गया 1 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 9 इंटू 18 सी 9 इंटू 1, ऐसा क्यों, सिंस एक्स पावर जीरो कितना होता है 1 होता है, ओके देयरफॉर क्या हो गया, ये आंसर हो गया कि ऐसा टर्म जो जिसमें एक्स नहीं है, यही टर्म है इसमें एक्स है, एक्स गायब हो गया, यानी कि कौन सा टर्म है, टेंथ टर्म है, कहते बताओ कौन सा टर्म एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो आंसर क्या होगा टेंथ टर्म, 10 लिख दें नीचे लिख देंगे 10, टेंथ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या दैट इज लिख सकते हैं, तो टेंथ टर्म है क्या, यही है ना, दैट इज लिख सकते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज, तो क्या है आंसर है 18 सी 9 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 9, यही टर्म है जिसमें एक्स नहीं है, ये आंसर हो गया, ओके जब भी रहेगा इस तरह से कि ऐसा टर्म फाइंड आउट करिए जो जिसमें एक्स नहीं है, तो प्रोसेस यही है, जेंडर टर्म फाइंड आउट कर लो, उसके बाद उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, अब देखेंगे एक्स पर जो भी पावर है, एक्स पर जो भी पावर है उसको जीरो इक्वल करो, जीरो इक्वल करने के बाद आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो यानी आर की वैल्यू आउटपुट करेंगे वो, यानी कि इसका मतलब क्या, ऐसा टर्म आएगा जिसमें एक्स नहीं होगा, ओके ये आंसर हो गया 18 सी 9 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 9, ओके।